का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में और अपना समय निकाल करके हमको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आप पधारे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अनुरोध करते हैं श्री रंजीव तिवारी जी, सचिव महामना शिक्षण संस्थान से, वे हमारे बीच के कुछ विशिष्ट परिचय हैं जिन्हें देने की कृपा करें। सभी को नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कुछ विशिष्ट अतिथियों का परिचय कराना चाहूंगा। आज हमारे बीच माननीय अनिल जी क्षेत्र प्रचारक उपस्थित हैं, आदरणीय कौशल जी माननीय प्रांत प्रचारक, माननीय मनोज जी सह प्रांत प्रचारक, प्रोफेसर संजय सिंह जी वीसी बीबीयू, प्रोफेसर डीपी सिंह सर पूर्व वाइस चांसलर लखनऊ यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर राणा कृष्णपाल सिंह जी वीसी शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, डॉक्टर एके सिंह वीसी पलामू विश्वविद्यालय, श्री सुरेंद्र चौधरी एमएलसी प्रयाग, श्री नीलकंठ तिवारी जी एमएलए काशी, श्री रामचंद्र प्रधान जी एमएलसी, माननीय शिव कुमार जी राष्ट्रीय मंत्री विद्या भारती, माननीय हेमचंद जी क्षेत्र संगठन मंत्री विद्या भारती, श्री पवन सिंह जी एमएलसी, श्री नीरज बोरा जी एमएलए, प्रोफेसर एके त्रिपाठी जी डीन केजीएमयू, श्री हरगोविंद सिंह परिहार जी वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट, माननीय राहुल सिंह जी न्यास के सचिव हैं, आप यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का हृदय से स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। हम अपने सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यस्ततम कार्यक्रम को देखते हुए अनुरोध करेंगे माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी तथा मंचासीन अतिथियों से कि वे कृपया शिलापट का अनावरण कर बालिका प्रकल्प के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। संस्थान से पढ़े हुए छात्रों ने यहाँ 11वीं 12वीं पढ़ते हुए अपने पहले ही प्रयास में जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा जेईई मेंस और नीट में सफलता प्राप्त कर देश और प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश लिया है और महामना शिक्षण संस्थान का गौरव बढ़ाया है, उन विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी और मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि इन विद्यार्थियों को सम्मानित कर इनका उत्साह वर्धन करने की कृपा करें। सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूंगा दिव्या त्रिवेदी जो एनआईटी श्रीनगर में आईटी ब्रांच में बीटेक कर रही हैं, नीतू यादव जो डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बीटेक कर रही हैं, अनुराग गौतम एनआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस, अनुभव मिश्रा एचपीटीयू कानपुर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, राम जीवन मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर इलेक्ट्रिकल, सूरज यादव मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिकल, विपिन कुमार एनआईटी जालंधर पंजाब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सात्विक वाजपेयी आईआईटी लखनऊ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, अजय कुमार एचपीटीयू कानपुर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, विशाल गुप्ता मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रशांत यादव मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर इलेक्ट्रिकल, विकास निषाद अभिषेक मिश्रा संदेश सिंह तीनों मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, और
अभी इस वर्ष एक बच्चे ने नीट में 622 नंबर लाकर इन्होंने MBBS अयोध्या मेडिकल कॉलेज में MBBS के में प्रवेश लिया है। ऐसे वीरेंद्र कुमार को आमंत्रित करना चाहूंगा। कृपया तालियों से हमारे छात्रों का उत्साहवर्धन करने की कृपा करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत ही अद्भुत क्षण है इन सब बच्चों के जीवन का। कृपया तालियों से स्वागत करते रहिए। शिक्षण संस्थान के जिन तीन गुरुजनों का महत्वपूर्ण योगदान है, जो दिन प्रतिदिन की दृष्टि से विशेष योगदान इस संस्थान को चलाने में करते हैं, उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे बीच इंजीनियर आदित्य कुमार जी हैं, जो आप 30 वर्षों का आपका कोचिंग फील्ड का अनुभव है, आप रूबिन्स रोस्टन कोचिंग के फाउंडर डायरेक्टर है और आप निःशुल्क पिछले कई वर्षों से हमारे संस्थान के बच्चों को निःशुल्क अपनी सेवाएं दे रहे हैं अपने पूरे संसाधनों के साथ। आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। अब मैं आदरणीय कैलाश मिश्रा जी को बुलाऊंगा, जो एक बच्चों के बीच 24/7 एक अभिभावक के रूप में इनकी चिंता करते हैं। आदरणीय कैलाश मिश्रा जी, कृपया मैं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि कृपया इनको सम्मानित करके कृपया करें। कृपया तालियों से कैलाश जी का उत्साहवर्धन करने की कृपा करें। अब मैं बालिका प्रकल्प की अनुभाविका श्रीमती रंजना श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करूंगा मंच पे। ये बालिकाओं का पूरा अभिभावक के रूप में उनकी पूरी चिंता करती है, उनकी व्यवस्था देखती है। कृपया मंच पर आने की कृपा करें। अब समय है प्रकल्प के प्रथम स्मारिका के विमोचन का। महामना के जीवन पर आधारित यह स्मारिका, इसमें देश के मूर्धन्य विद्वानों के लेख सम्मिलित हैं और इसका संकलन संपादन डॉक्टर सौरभ मालवीय जी ने किया है और प्रकाशन आदरणीय मथुरेश श्रीवास्तव जी ने किया है। मैं दोनों से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आकर अतिथियों से इसका विमोचन कराने की कृपा करें। ऐसे ही अपने न्यास की एक अर्थवार से पत्रिका है सेवा चेतना, उसके विमोचन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय विजय कर्ण जी को। कृपया मंच पर आकर उसका विमोचन कराने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। संक्षेप में कृपया नेत्र कुंभ का परिचय देने की कृपा करें। सम्मानित मंच एवं आए हुए अभ्यागत देवी देवियों एवं सज्जनों, भावराव देवर सेवा न्यास व 20 अन्य संस्थाओं ने मिलकर के 2019 में
प्रयागराज के संगम तट के पर एक कुंभ का आयोजन हम लोगों ने नेत्र कुंभ का आयोजन किया था, जिसमें हम लोगों को 50 दिन में हम लोगों ने 1,55,210 चश्मे वितरित किए थे निःशुल्क। और इसके लिए हमें देश भर के 400 डॉक्टर और 150 ऑप्टोमेट्रिस्ट प्रतिदिन आ करके हम लोगों की अपना समय दे करके अपना धन दे करके हम लोगों की वहां पर व्यवस्था की थी। और इसी तरह ये दिवस अस्थायी था, उसको लेकर के हम लोगों ने आगे चल करके यहाँ हम सबके प्रेरणा पूंजे माननीय माधवराव देवराव देवड़े जी के नाम पर देवड़े नेत्र चिकित्सालय की स्थापना लखनऊ में हम लोगों ने की। 2020 से लेकर के पिछले 1.5 वर्षों में हम लोगों ने यहाँ 18,000 से अधिक ओपीडी के साथ 11,000 से अधिक निःशुल्क चश्मे वितरित किए हैं। और उसके साथ जो दुनिया के आधुनिक जांचों में आंखों की जांच की व्यवस्था है उसको हम यहाँ न्यूनतम शुल्क कर करते हैं। अभी इस वर्ष हम लोगों ने 373 मोतियाबिंद के जो है ऑपरेशन करके इसी सत्र में हम लोगों ने 300 से ज्यादा ऑपरेशन मोतियाबिंद के किए हैं। आगामी 2025 में हम लोगों ने ये योजना बनाई है कि संगम तट पर होने वाले महाकुंभ में हम लोग 5,00,000 चश्मे वितरित करेंगे। इसके लिए अभी से हम लोगों ने काफी योजना और लोगों से संपर्क करके ये काम करने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। आप सभी के सहयोग से, सुधीजनों के हर तरह के सहयोग से ये काम सफल होगा, सार्थक होगा। जय हिंद, जय भारत। आज के इस पावन पवित्र अवसर पर कुछ हृदय दानदाताओं ने कुछ दान की घोषणा की है, मैं आपको साझा करना चाहूंगा। बीएचयू से पढ़े वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर निखिल सिंह ने अपने मित्रों के साथ ₹11,00,000 दान की घोषणा की है। बीएचयू से पढ़े हाईकोर्ट एडवोकेट श्री देव प्रकाश मिश्र ने मित्रों के साथ 11,00,000 दान की घोषणा की है। IIT BHU से पढ़े इंजीनियर अरविंद ने 11,00,000, IIT BHU से पढ़े इंजीनियर मुकेश पांडे जी ने 25,00,000 दान की घोषणा की है। IIT BHU से पढ़े रंजीव तिवारी ने अपने परिवार के साथ 11,00,000 की। BHU से DM किए डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी ने अपने मित्रों के साथ 11,00,000 दान की घोषणा की है। BHU से MBBS MD किए डॉक्टर विक्रम सिंह ने 5,00,000 का दान। BHU से पढ़े हाईकोर्ट एडवोकेट श्री अनंत शुक्ला जी ने 11,00,000 का दान। IIT BHU से पढ़े श्री पंकज सिंह ने 5,00,000 का। हाईकोर्ट के स्थायी एवं अधिवक्ता श्री निशान शुक्ला जी ने 11,00,000 का दान की घोषणा की है। श्री सतीश कुमार जी ने अपने मित्रों के साथ 11,00,000। IIM लखनऊ के पूर्व छात्र और तकनीकी सलाहकार श्री अखिलेश शुक्ला जी ने 11,00,000। संरक्षक महामला शिक्षण संस्थान श्री प्रमोद तिवारी जी ने सहयोगियों के साथ 11,00,000। KGMU के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ट्रामा सेंटर डॉक्टर संदीप तिवारी जी ने सहयोगियों के साथ 11,00,000। KGMU के डॉक्टर विनय गुप्ता जी ने 11,00,000। उद्यमी श्री देवेश राय जी ने 11,00,000। अपने न्यास के न्यासी श्री OP श्रीवास्तव जी ने 11,00,000। दवा व्यवसायी श्री सुरेंद्र मिश्रा जी द्वारा 5,00,000 का दान। डॉक्टर शैला चंद्रा कुलकर्णी जी जो आज की कार्यक्रम की अध्यक्ष है, अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय प्रोफेसर दत्तात्रेय अनंत कुलकर्णी जी की स्मृति में प्रकल्प में औषधालय निर्माण हेतु 18,00,000 रुपए के दान की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाने वाली कंपनी PNC के संस्थापक और आगरा के निवर्तमान मेयर श्री नवीन जैन जी ने 1,51,00,000 दान की घोषणा की है। देश विदेश में स्टील प्लांट सेटअप करने वाली कंपनी प्रीत इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर श्री प्रीत सिंह ने प्रकल्प को 51,00,000 दान देने की घोषणा की है। साथ ही 11 बालिकाओं के वार्षिक व्यय की सहायता करने की भी घोषणा की है। रेलिगेयर की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन डॉक्टर रश्मि सालूजा जी ने इस बिल्डिंग में एक फ्लोर के निर्माण के लिए लगभग 3.5 करोड़ रुपए की दान की घोषणा की है। न्यास के उपाध्यक्ष श्री मनोज अग्रवाल जी ने 1 करोड़ रुपए के दान की घोषणा की है। GLA यूनिवर्सिटी के संस्थापक श्री नारायण दास अग्रवाल जी ने इस बिल्डिंग में एक फ्लोर के निर्माण के लिए 3.5 करोड़ रुपए की दान की घोषणा की है। केरला मेडिकल ग्रुप के चेयरपर्सन श्री मोहसिन अली ने 1 फ्लोर के निर्माण के लिए 3.5 करोड़ रुपए की घोषणा की है। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कृतज्ञता।
माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता को देखते हुए कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी आज के मुख्य वक्ता माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी द्वारा उद्बोधन के लिए। माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी किसी भी परिचय के लिए मोहताज नहीं है, आप सभी जानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह के रूप में आप निरंतर अपने दायित्व की पूर्ति करते हुए समाज की सेवा की संकल्पना को साकार कर रहे हैं। माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, मंच पर विराजमान हमारे परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे न्यास के अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश जी, माननीय शैलचंद्रा जी और इस न्यास के प्रकल्प के भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय बंधुओं बहनों, यह न्यास जिस महापुरुष की स्मृति में कार्य करता है उनका नाम है भाऊराव देवरस। 1937 में वे नागपुर से अपने संघ के कार्य के लिए उत्तर प्रदेश में आए, जैसा हमारे लिए ओम प्रकाश जी ने बताया। लखनऊ विश्वविद्यालय में बीकॉम और एलएलबी ड्यूअल डिग्री एक साथ किए, स्वर्ण पदक पाए, उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष भी हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वे कार्यक्रम में बुलाए लखनऊ विश्वविद्यालय में, और एक समय ऐसा आया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हिंदुस्तान से बाहर जाना था छद्म वेश में। ये सारी व्यवस्था भावराव जी ने की और संघ के काम को स्थापित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने वाले माननीय भावराव, और उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अपने परिश्रम से उत्तर प्रदेश में खड़ा किया। आज भी हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए सेवा के कैसे अच्छे कार्य हो सकते, यह उनकी मन की इच्छा थी। और इसलिए जैसा कि हमारे न्यास के अध्यक्ष महोदय ने बताया है, ऐसे सेवा के कार्यों की अनेक श्रृंखलाएं धीरे धीरे करके प्रारंभ हुई है, वो वर्णन में नहीं करता। लेकिन आज जो विशेष प्रकल्प इसका भूमि पूजन हुआ है, उसका भाव यह है कि हमारे देश में वर्तमान में जो किसी भी कारण से और ऐसे बालक हैं जो मेधावी हैं, जिनको परमात्मा ने विशेष और बुद्धि शक्ति क्षमता दी है, लेकिन किसी कारण से अभी थोड़ा सा और असुविधा में है, उनकी असुविधा को दूर करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हो, ऐसे लोगों के द्वारा यह प्रकल्प बनेगा। अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कों का एक 50 एक विद्यार्थी बच्चों का प्रकल्प चलता है, उसमें भी ऐसे ही बच्चे मेधावी बच्चे जो हाई स्कूल में 90% 93% 94% मार्क्स पाते हैं, लेकिन घर में तो अभी थोड़ी असुविधा है। ऐसे बच्चों को चयन करके आज से 4 वर्ष पूर्व एक लड़कों का छात्रावास प्रारंभ किया था, अब इस बड़े भूमि परिसर में बालिकाओं का छात्रावास और बालिकाओं का ही इंटर कॉलेज खड़ा हो जाए, वो शुभ दिन आज आ गया। इस देश की एक सनातन परंपरा है जो हजारों हजारों वर्षों से चलती आ रही है, शिक्षा यहां पर निःशुल्क थी। इस देश में हजारों हजारों वर्षों तक शिक्षा में बच्चे को फीस देनी पड़ेगी, ऐसा कभी नहीं था। फीस देने का काम ये अंग्रेजों ने शुरू किया, बच्चे को फीस देना तब शिक्षा के लिए विद्यालय में जाना, ऐसा अंग्रेज शुरू किया। हमारे तक्षशिला का विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी का विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, काशी के गुरुकुल, उज्जैन के गुरुकुल, पाठशालाएं और मदरसे भी निःशुल्क चलते थे। समाज की जिम्मेदारी रहती थी कि योग्य बच्चों को योग्यतम शिक्षा दी जाए, और वो शिक्षा 100% निःशुल्क होती थी। और केवल भारत के बच्चे नहीं, दुनिया भर के बच्चे भारत में आकर के पढ़ते थे। हुए इंसान कई वर्ष रह करके पढ़ करके गए, ईस्ट सिंह चाइना से आए,
अनेक वर्ष यहाँ रह करके पढ़ करके गए। एक दो वस्त्र लेकर के विद्यार्थी आता था, 10-12-15 वर्ष तक छात्रावास में रहता था, उसका भोजन, उसका वस्त्र, बीमार हुआ तो औषधि, शिक्षा का सारा व्यय वो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, गुरुकुल, पाठशाला या मदरसा ये चलाते थे। अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा के सारे तंत्र को उद्ध्वस्त कर दिया। वो दुखद प्रसंग है। स्वतंत्रता के बाद हमको ऐसा लगता था ये शिक्षा सारे देश के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क ही होगी। महामना ने इतना बड़ा जो विश्वविद्यालय खड़ा किया, जनता से पैसा लेकर के आए, भिक्षा वृत्ति प्रारंभ करी, 11,000 रुपए की वकालत 1910-11 में छोड़ दी, अपने जीवन का खर्चा, अपना भोजन भी भिक्षा वृत्ति से उन्होंने चलाया 1911 से लेकर के 46 तक। और जो विद्यार्थी आ गया उसके लिए शिक्षा थी, जो छोटा मोटा शुल्क उस समय आवश्यकता उतना लेते थे, लेकिन जो विद्यार्थी शुल्क देने में असमर्थ होता था, जो विद्यार्थी भोजन का पैसा देने में असमर्थ होता था, उसका सारा व्यय महामना उठाते थे। महामना का संकल्प था इस बच्चे को प्रवेश देने का काम हम करेंगे, ये अपनी योग्यता से प्रवेश ले ले, उसके बाद सारी शिक्षा विश्वविद्यालय में वो देने की जिम्मेदारी हमारी है। कहां कहां से भिक्षावृत्ति से वे पैसा लाते थे, छात्रावास बनाते थे बड़े बड़े, और उन्होंने भवन खड़े कर दिए, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज खड़े कर दिए, मेडिकल कॉलेज एलोपैथी का खड़ा किया, आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज खड़ा किया, सरकार से एक पैसा भी मांगा नहीं। ये भारतीय शिक्षा का दर्शन है, समाज अपनी क्षमता से विद्यार्थियों को क्षमता प्राप्त करने में सहायता करे, ये समाज की जिम्मेदारी है। कोई भी मेधावी छात्र छात्रा इस देश में शिक्षा से वंचित न रह जाए, ये समाज की जिम्मेदारी है। उस बालक को योग्य बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है, और बाद में योग्य बनकर वो बालक समाज को 10 गुना और अधिक दे, ये उस बालक की जिम्मेदारी है। अभी इतने अच्छे अच्छे बालक आप लोगों ने देखे, एक कोई इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर में, HBTI कानपुर में, दिल्ली के NIT में है, ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस में विद्यार्थी चले गए। इनकी भी सारी चिंता करने का काम अभी न्यास करता है। ये जब तक अपने पैरों पर खड़े न हो जाए तब तक न्यास करेगा। लेकिन इन बंधुओं और बहनों से मेरी यह भी प्रार्थना है, अपने मन के संकल्प को आप लोग पक्का रखना, जिस दिन आप योग्य हो जाओ उस दिन आप अन्य बच्चों का हाथ थाम लेना। इस सबसे समाज के अंदर एक आत्मीय संबंध बना रहता है। दिखने में छोटा सा प्रकल्प दिखता है, एक 300 बालिकाएं यहां पढ़ेंगी, बाकी अन्य नगर की बालिकाएं आकर के अध्ययन के लिए यहां एक विद्यालय में आएंगी, एक बड़ा विद्यालय बन जाएगा, एक बालिकाओं के लिए छात्रावास बन जाएगा, सभी प्रकार की सुविधाएं उन बालिकाओं को मिले, और इन बालिकाओं को कोई भी फीस न देनी पड़े, शुल्क न देना पड़े, ये योग्य हो जाए समाज को वापस करेंगी। ये समाज अपने देश में इस आध्यात्मिक भाव के साथ खड़ा होता रहा हजारों वर्षों से, इसलिए इसका नाम था भारत। भाव माने ज्ञान, ज्ञान में रत है, ज्ञान देने में रत है, ज्ञान के लिए पैसा नहीं मांगता था यह देश। वह देश फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपने प्राचीन गौरव वैभव से और अधिक गौरवशाली भारत हम निर्माण करने में सफल हो सके, ऐसे सुंदर छोटे से प्रकल्प का, लेकिन महत्वपूर्ण गरिमामयी ऐसे प्रकल्प का भूमि पूजन आप लोगों ने आज देखा है, किया है। ऐसे प्रकल्पों में अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ आप लोग सहयोग करें, इस विनम्र प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, अब हम बढ़ते हैं उस वातावरण निर्मिति को करने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी के उद्बोधन की तरफ,
जिन्होंने यत्र नायस्त पूजंत्रे रमंत्रे तत्र देवता के वातावरण की निर्मिति के लिए अपनी कृत संकल्प प्रतिबद्धता अपने अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सदैव प्रदर्शित की है। हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से कि वे अपने उत्कृष्ट उद्बोधन के द्वारा हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, महामना शिक्षण संस्थान पालिका प्रकल्प के आज के इस भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर जिनका सानिध्य और मार्गदर्शन अभी यहां पर प्राप्त हुआ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सह सरकारवाह माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, न्यास के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश गोयल जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर शैला चंद्रा कुलकर्णी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, आज माघ की पूर्णिमा है। मध्यकाल में सामाजिक भेदभाव को दूर कर एक समरस समाज की स्थापना करने और कर्म साधना की प्रेरणा देने वाले महान संत सद्गुरु रविदास जी की पावन जयंती भी है। इस अवसर पर मैं आप सभी को, प्रदेशवासियों को, सदगुरु संत रविदास जी की 646वीं पावन जयंती के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और पूज्य संत के से चरणों में कोट कोटि नमन भी करता हूं। भारत की परंपरा सदैव स्वावलंबन की रही है। स्वावलंबन की परंपरा के पीछे यहां का समाज रहा है। एक बात जो अक्सर हम सबको जानने और देखने को मिलती है, हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की बात सुनते हैं, यह वास्तविकता थी। गांव आत्मनिर्भर था, समाज अपने आप में आत्मनिर्भर था, शासन पर उसकी निर्भरता न्यूनतम थी और जब भी समाज आगे चलेगा सरकार उसके पीछे होगी तो समाज हमेशा आत्मनिर्भर होगा, स्वावलंबी होगा। जब भी सरकार आगे होगी और समाज पीछे होगा वह समाज कभी स्वावलंबी नहीं हो सकता है, वह परावलंबी होगा, हर चीज के लिए सरकार से उम्मीद करेगा और फिर वहां पर स्वावलंबन के लिए जिस प्रकार के भाव जागृत होने चाहिए उसका सदैव अभाव दिखाई देगा। ये हमारे देश की एक विडंबना रही है कि ब्रिटिश कालखंड में या गुलामी के कालखंड में हमारे गौरव के उस बोध को पूरी तरह समाप्त करने के प्रयास हुए। ये कारण थे कि बड़े बड़े शिक्षण केंद्र तोड़े गए, बड़े बड़े आस्था के केंद्रों को नष्ट किया गया, जिससे भारतीय समाज इस पर गौरव की अनुभूति न कर सके, उसके स्वाभिमान को कुचला गया, दबाया गया और परिणाम हम सबके सामने है। वही वो जिससे हम मुक्त नहीं हो पाए, ये पहली बार हुआ जब किसी राष्ट्रीय पर्व को
पूरा देश एक साथ आयोजित करके उसके साथ जुड़ पाया तथा आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव में हर भारतीय ने अपने घर में तिरंगा लगाने का काम किया था। हर घर तिरंगा उसके घर में इस बात को द्योतक था कि वह भारतीयता के साथ जुड़ना चाहता है, जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको नेतृत्व देने वालों की अभाव था। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक आह्वान हुआ, 140 करोड़ की आबादी तिरंगा लेकर के निकल पड़ी और अपने अपने घरों पे तिरंगा लगा करके उसने भारतीयता का एहसास कराया। ये भारतीयता का एहसास इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी देखने को मिली थी। जब आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी आबादी, स्वास्थ्य की सुविधाएं किसी भी यूरोपीय देश से या अमेरिका जैसे देशों से हमारे पास बहुत कम था, लेकिन टीम वर्क के रूप में कैसे कार्य होना है, पूरे देश ने जब मिलकर के कार्य किया तो दुनिया का सबसे अच्छा कोरोना प्रबंधन का उदाहरण भी भारत ने दे दिया। समाज जब आगे बढ़कर के उसे लीड करता है, परिणाम भी सामने आने लगते हैं। सरकार के साथ समाज भी जब उस अनुशासन के साथ आगे बढ़ता है तो परिणाम भी उसी रूप में हम सब के सामने देखने को मिलते हैं। बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं जहां पर समाज जब भी आगे बढ़ा है परिणाम हम सब के सामने आए हैं। और आज ऐसे ही दो महापुरुषों से जुड़ा हुआ यह एक पवित्र संस्थान की भूमि पूजन के कार्यक्रम के साथ हम जुड़े हुए हैं, जिनमें दो महापुरुषों का नाम यहां पर जुड़ा हुआ है। एक है सरदेव भावरस देवरस जी का, जिनके बारे में यहां पर डॉक्टर साहब ने विस्तार से अपनी बातें यहां पर आप सबके सामने रखी कि कैसे डॉक्टर भावरस देवरस जी ने इसी लखनऊ में रह करके और प्रवेश लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना, लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद छात्र संघ की राजनीति में सक्रिय होना, देश की आजादी के मूवमेंट में एक नागरिक होने के नाते, एक युवा होने के नाते क्या भूमिका होनी चाहिए, उन भूमिकाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना और छात्र संघ की गतिविधियों में भाग लेने के उपरांत जब अपने शिक्षण कार्य को पूरा करते हैं तो उसके उपरांत अपने आप को समाज के लिए समर्पित करके समाज के उन विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़ना जो राष्ट्र निर्माण के लिए आजादी के पूर्व जो एक रूपरेखा तैयार होनी चाहिए थी उस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे। आज भी आप जाएंगे उत्तर भारत में तो मुझे लगता है कि हर एक जगह आपको सरदेव भावराज जी के भावराव देवरस जी के नाम पर संस्थान, उनकी स्मृतियों को और उनके उस विराट व्यक्तित्व के बारे में हम सबको अवगत कराता है कि कैसे समाज को जोड़ने के लिए अनेक सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं संगठनों और को उन्होंने नेतृत्व देकर के आगे बढ़ाने का कार्य किया और वो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। उनकी स्मृतियां इसके साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है, उनके उस विराट व्यक्तित्व और कृतित्व के दर्शन इसके साथ होते हुए दिखाई देते हैं। और दूसरा नाम है भारत रत्न पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी का। मालवीय जी देश के प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मालवीय जी देश की आजादी के इस पूरे आंदोलन में हर क्रांतिकारी के एक प्रखर अधिवक्ता के रूप में भी न्यायालय में जाकर के हर क्रांतिकारी की पैरवी भी करते थे। मालवीय जी एक समाज सुधारक भी थे, समाज को जोड़ने के लिए उनके द्वारा किए गए उस समय के प्रयास हम सबके सामने हैं। गंगा को पवित्र गंगा को रोकने का प्रयास जब ब्रिटिश कालखंड में होता है, इसके खिलाफ कोई मुखर आवाज निकलती है
तो वह गंगा महासभा के माध्यम से पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से निकलती है और उसका समाधान का रास्ता भी उन्होंने ब्रिटिशर के सामने उस कालखंड में दिया जो आज भी उसी रूप में बरकरार हुआ है। 100 वर्ष के बाद भी आप हरिद्वार में जाएंगे तो उसी रूप में आपको देखने को मिलेगा। मालवीय जी भारतीय परंपरा के अनुसार एक स्वतंत्र भारत में हमें कैसी व्यवस्था देनी चाहिए। जब देश आजाद नहीं हुआ था, देश आजाद होता 1947 में, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है 1916 में। 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम है, जो डिग्री कोर्सेज है, आज हम लगातार कहते हैं शासन में रह करके विभिन्न विभागों को कि भाई छात्रों को आज के परिपेक्ष में जो न्यू एजेज कोर्सेज हैं उनको आप अपने आप पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाइए। बार बार कहना पड़ता है, आज साधन है, शासन के पास साधन की कमी नहीं होती, शासन के स्तर पर बेहतर प्रयास भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए, और ऐसा भी नहीं कि हमारे पास टीम का भी अभाव हो। भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए अच्छे अधिकारियों की टीम भी रहती है, तब भी उन नए कोर्सेज के लिए तमाम मशक्कत करनी पड़ती है। याद करिए, आज से 100 वर्ष पूर्व महामना ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सभी कोर्सेज दिए हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी देश को और समाज को एक नया नेतृत्व दे सकते हैं। सरकार के सहयोग से नहीं, अपने स्तर पर। उस समय की क्या आवश्यकता थी, कैसे भारत के लोग दुनिया में नेतृत्व प्रदान करेंगे, कैसे नालंदा और तक्षशिला का एक मॉडल काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनेगा, और उससे भी उत्कृष्ट कैसे हम कार्य करके दिखाएंगे, वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आज भी हम सबको देखने को मिलता है। यानी इन दो महापुरुषों के नाम से जुड़ी हुई एक संस्था आज यहां पर भूमि पूजन के साथ यहां पर आगे बढ़ रही है। माघी पूर्णिमा भी है, संत रविदास जी का पावन जन्म जयंती का दिन भी है, सदे भावरास देवरास जी का भी और महामना जी का भी नाम एक साथ इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से चारों दिशाएं जब अनुकूल हो तो परिणाम अनुकूल आएंगे ही। वो परिणाम हम सब के सामने यहां देखने को मिले थे, जहां पर हम लोगों ने अभी मंच में उन छात्रों को सम्मानित किया है जो छात्र अब तक इस प्रकल्प को प्रारंभ करते समय बालकों के छात्रावास के माध्यम से जिन छात्रों ने नीट और आईआईटी जेईई में सफलता प्राप्त की है, उनके हम यहां पर कभी कथा सुन रहे थे कैसे उन लोगों ने इसमें प्रयास किया, कैसे वे लोग आगे बढ़े। बालिकाएं जो भी इस प्रकल्प के साथ जुड़ी है, जो एक किराए के भवन में रह करके पारिवारिक आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद यह न्यास उन बालिकाओं के उत्तम पठन पाठन के लिए एक मंच दे रहा है, बिना भेदभाव के उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित कर रही है और उत्कृष्ट शिक्षा उन्हें प्राप्त हो सके, किसी भी प्रकार की आर्थिक बंधन उनके मार्ग में बाधा न बने, यह कार्यक्रम भी यहाँ पे चलाया जा रहा है। उनके लिए बनने वाला यह छात्रावास और इसके उपरांत बनने वाला जो शिक्षण केंद्र होगा वो अपने आप में एक अभिनंदनीय प्रयास है। मैं इसके लिए न्यास को हृदय से बधाई देता हूं, इसके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, केंद्र और राज्य सरकार ने एक ऐसी स्कीम प्रारंभ की है जो छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने में एक बड़ी मदद कर सकता है, उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है। आपने देखा होगा कि बालिकाओं के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चालू की है। एक कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश के अंदर, जब प्रधानमंत्री जी ने मेरा ध्यान इधर स्वर आकर्षित किया कि भ्रूण हत्या कुछ जनपदों में ज्यादा हो रही है, इसका समाधान का रास्ता निकालना चाहिए, और इस समाज की समस्या थी, समाज की एक चुनौती थी, लेकिन सरकार उसके साथ कैसे जुड़ सकती है।
हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई कन्या सुमंगला योजना की, जिसमें बालिका के जन्म लेने के साथ ही अगर बालिका का रजिस्ट्रेशन जैसे हुआ उस बालिका के नाम पे अकाउंट खुल जाएगा, उसके परिवार को और बालिका के नाम पर एक निश्चित धनराशि उसके अकाउंट में चली जाएगी। अक्सर होता है अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं बालक और बालिकाओं के बीच में भेद होता है, बालिका हो बालक होंगे तो उसको सभी प्रकार के टीकाकरण लगे, टीकाकरण से आच्छादित किया जाता है, बालिका होती है तो नहीं किया जाता है, बालिका को साथ कोई भेदभाव ना हो इसलिए एक वर्ष के अंदर उन सभी प्रकार की मिशन इंद्रधनुष के साथ जोड़ करके सभी प्रकार के टीकाकरण से बालिका को युक्त करने के और सर्टिफिकेट जैसे ही प्राप्त होगा एक निश्चित राशि बालिका के नाम पर फिर उसके अकाउंट में चला जाएगा। बालिका पहली क्लास में एडमिशन लेगी तो रजिस्ट्रेशन के साथ एक निश्चित राशि उस बालिका के अकाउंट में चली जाएगी, बालिका छठी क्लास में जाएगी तो भी धनराशि जाएगी, नौवीं क्लास में जाएगी तो भी एक निश्चित राशि उसके अकाउंट में जाएगी, नौ अपनी हायर सेकेंडरी पास करने के बाद वह कोई सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा कोर्स या फिर डिग्री कोर्स करना चाहती है तो एक निश्चित राशि उसके अकाउंट में जाएगी और कुल मिलाकर के 15,000 का एक पैकेज हम उस बालिका को शासन के स्तर पर कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं जिससे वह बालिका अपने पैरों में खड़ी हो सके और उसके अपने उन जरूरतों को पूरा कर सके। यद्यपि शिक्षा उस फ्री में हम लोग शासन से स्नातक स्तर की शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं। दूसरा बालक और बालिकाओं के लिए, याद करिए कोरोना कालखंड में उत्तर प्रदेश के हमारे जो बच्चे थे ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए IIT JEE के लिए और नीट की तैयारी करने के लिए कोटा में बहुत सारे बच्चे थे, 15,000 से ज्यादा बच्चे वहां तैयारी कर रहे थे, अचानक लॉकडाउन लग गया, परिवारों में चिंता हुई। मैंने उस समय राजस्थान की सरकार से बातचीत की कि भाई आप इन बच्चों को सुरक्षित पहुंचाने में मदद कर दें तो उन्होंने असमर्थता व्यक्त कर दी। मैंने फिर यहां से अपने प्रशासन के माध्यम से 500 बसें वहां भेजी थी, उन सभी बच्चों को हम सुरक्षित वापस उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य भी किया था और पहुंचाने का ही कार्य नहीं किया था बल्कि हम लोगों ने इसके बाद कहा था कि भाई हम इन बच्चों के लिए व्यवस्था देंगे जिससे आने वाले समय में यहां के बच्चों को कहीं बाहर न जाना पड़े। हम लोगों ने वर्तमान में अब मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रारंभ की है जो उन बच्चों को फ्री में कोचिंग की सुविधा देती है, दोनों फिजिकली भी और वर्चुअली भी, जिसमें हमारे उस कंपटीशन से निकले हुए जो योग्य अभ्यर्थी हैं जैसे IAS या IPS की अखिल भारतीय परीक्षा की तैयारी कोई कर रहा है तो जो हमारे वहां से पास आउट जो छात्र हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है IAS के लिए IPS के लिए IFS के लिए उनसे हम हर जनपद में क्लास निभाते हैं, कम से कम एक घंटा उन छात्रों के लिए उन जनपदों में देगा। या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए की तैयारी कोई छात्र कर रहा है तो वे जो भी जनपद में तैनात हैं वे जनपद में तैनात अधिकारी ही वे क्लास लेते हैं और इसके अलावा जो इंजीनियर सिलेक्शन जिन इंजीनियर्स का सिलेक्शन होता है या जिन चिकित्सकों का सिलेक्शन होता है वे भी उस जनपद में जाकर क्लास ले रहे हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 43 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से वहां के माध्यम से जुड़े थे और उनका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हुआ था और सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम आगे चल रहा है। उसमें जो गरीब बच्चे उनको टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्यक्रम भी हम उसके साथ करते हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए आज बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को हम लोग वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण कर रहे हैं। टैबलेट और स्मार्टफोन इसमें केंद्र और राज्य शासन से जुड़े हुए वे सभी प्रकार के प्रोग्राम हैं जो एक छात्र को सक्षम बना सकता है, न केवल डिजिटली सक्षम बनाएगा बल्कि उस छात्र को जैसे एक बार मैंने एक तकनीकी संस्थान से बहुत उत्कृष्ट तकनीकी संस्थान है उत्तर प्रदेश का उसके 20 छात्रों ने फाइनल ईयर के 20 छात्रों ने मुझसे मिलने की इच्छा व्यक्त की, मुझे भी अच्छा लगा
के 20 छात्र मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो मैंने कहा मैं उनसे भी पूछूंगा क्या वे कर रहे हैं। वे 20 छात्र मेरे पास आए थे, मैंने उन लोगों से पूछा परिचय के बाद, मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा आप लोग अब अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद क्या करेंगे, तो 20 में से दो ने कहा कि हमें पैकेज मिल गया है, हम बाहर जाएंगे। चार छात्रों ने कहा कि हम सरकारी नौकरी करेंगे। 14 जो थे उनमें से चार ने कहा कि साहब हम तो अपने पारिवारिक कारोबार को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन 10 छात्र थे उन्होंने कहा साहब हम अपना स्टार्टअप प्रारंभ करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन ये 10 जो छात्र थे जो अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं वो कह रहे थे हमारे पास कोई पैसा नहीं है। मैंने कहा इसमें तो आपको भारत सरकार और राज्य शासन के द्वारा संचालित विभिन्न स्कीम की जानकारी है या नहीं है, तो वे चुप रहे। मैंने कहा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में सुना है, उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा क्या आप लोगों ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में सुना है, कहा नहीं। मैंने कहा प्रदेश की वन जनपद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो हमारी योजना है उसमें शासन के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी है, इसकी जानकारी आपको है, उन्होंने कहा नहीं है। हमने कहा यही होता है जब समाज पीछे होता है और सरकार आगे होती है, तो योजनाओं की जानकारी केवल सचिवालय स्तर के अधिकारियों को ही होती है, बाकी समाज उससे वंचित रह जाता है। ये इसका एक दुष्परिणाम यहाँ पे देखने को मिला। और फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अगर इस सभी स्कीम की जानकारी आपको होती तो आपको स्टार्टअप अपने फाइनल ईयर में ही आप अपने स्टार्टअप की तैयारी कर सकते थे और शासन की योजना का लाभ आपको सीधे बैंकर्स आपके घर में आकर के दे सकता था, आपके छात्रावास में आकर के दे सकता था। हम सबको इसके लिए छात्र अपने संस्थानों को तैयार करना होगा। शासन की योजनाएं ये केवल वोट बैंक के लिए नहीं होती है, योजनाओं के पीछे समाज के स्वावलंबन का एक मंशा भी होती है, लेकिन ये उन लोगों तक पहुंचने में उसको बहुत कठिनाई होती है। इसके लिए शिक्षण संस्थानों को, इसके लिए समाज को भी जागरूक होना होगा हर एक चीज के लिए। आखिर स्टार्टअप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कृषि के क्षेत्र में क्यों नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा फील्ड है, सबसे अच्छी उर्वरा भूमि है, सबसे अच्छा जल संसाधन है, इसमें क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन हमें समाज को तैयार करना होगा, अपने युवाओं को उसके लिए तैयार करना होगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एमएसएमई यूपी का सबसे बड़ा बेस रखता है, यूपी के एक्सपोर्ट को शासन ने थोड़ा प्रोत्साहन दिया वो फिर से चलने लग गया और आज उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को 1,60,000 करोड़ रुपए सालाना उसने एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रदेश बन सकता है, एक कल्पना थी आज वो हकीकत में आ चुका है। ये सभी कार्यक्रम अगर हम अपने युवाओं को इसके साथ जोड़ करके कार्य करना प्रारंभ करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं हो सकती, कोई समस्या आपके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती है। और उत्तर प्रदेश इस विषय प्रधानमंत्री स्किल मिशन का जो कार्यक्रम है उसका चतुर्थ चरण प्रारंभ होने जा रहा है, हमारे युवाओं को उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा अभी से। स्किल मिशन के बारे में अगर भारत सरकार या राज्य सरकार कोई भी कार्यक्रम अपना घोषित कर रही है तो वह एक निश्चित प्रक्रिया के तहत हमारी संस्थाओं के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनना ही चाहिए। अगर हम इसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे तो अपने छात्रों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में कहीं कोई दिक्कत भी नहीं होगी और वे डिग्री लेने के बाद उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा, इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि इतने ज्यादा कार्यक्रम आज के दिन पे चल रहे हैं, इसमें थोड़ा भी प्रयास हम प्रारंभ कर देंगे उसके बेहतर परिणाम हम सबके सामने आएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज यहाँ पर महामना शिक्षण संस्थान जो भावराव देवरस न्यास के माध्यम से संचालित है, यहाँ पर बालिका प्रकल्प का जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, यह उत्तर प्रदेश की बालिकाओं को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने और उसके माध्यम से समाज की नींव को और मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा। यहाँ पर जिन दानदाताओं ने आज यहाँ पे सहयोग किया है मैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ और मैं न्यास से और इस पूरे प्रकल्प से जुड़े हुए जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उनसे भी कहूंगा कि सरकार आपके साथ में है, जहां पर भी कोई आवश्यकता पड़ेगी आप जरूर बताएगा, सरकार आपको हर प्रकार से इस प्रकार के पवित्र कार्यक्रम के साथ हर प्रकार से मदद करेगी। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से
सदगुरु संत रविदास जी महाराज की 646वीं पावन जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करते हुए हम उनके मूल्यों और आदर्शों को अंगीकार करके इस समाज में समरसता का माहौल बनाने में सफल होंगे, इस विश्वास के साथ इस सब कार्य पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। जय हिंद।